हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ कंसाइज फिजिक्स क्लास 10th। हम लोग ने चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस में ये जो सेक्शन ए है ना, ये पूरा हम लोग ने पढ़ लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5A के कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने हेडिंग ऑलरेडी लिख रखी है, चैप्टर का जो नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस। इसमें आज मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज ये हो गया 5A, ठीक है। इसमें चाहे क्वेश्चन कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, मैं सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट आपको बुक से मिल जाएंगे, बट आई एम नॉट बॉदरिंग, मैं सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लेट मी राइट क्वेश्चन नंबर वन इज वेरी सिंपल, ये आपको बुक में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज अ लेंस, ठीक है। लेंस क्या है, तो इसका आंसर क्या है मैं वो लिख देता हूं। लेंस ये है इज अ, ये कैसा रहता है, ये ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट। फिर क्या होता है, ये इसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्रैक्टिंग REFRACTING। देखिए डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, बट एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा जो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो लेंस इज ए, पहली चीज ट्रांसपेरेंट रहता है, देन रिफ्रैक्टिंग मीडियम, कहां पे रिफ्रैक्ट करता है, मीडियम में। मीडियम मतलब एयर, मीडियम मतलब वॉटर, ठीक है, MEDIUM, ठीक है। अच्छा ये कैसा रहता है मीडियम में, तो क्या बाउंडेड, भाई उसका कोई ना कोई तो बाउंड्री रहेगी ना, बाउंडेड बाय कैसा सरफेस रहता है, टू कर्व, बाउंडेड बाय टू कर्व। आपको याद है ना मैं कौन से लेंस की बात कर रहा हूं, चाहे आप कॉन्वेक्स की बात करिए चाहे कॉनकेव की, तो वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बना के भी दिखा देता हूँ। इनफैक्ट टू कर्व्स सरफेसेस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत डेफिनेशन समझने में, आपको लर्न नहीं करना है, आपको केवल समझना है। और एग्जाम में आपके दिमाग में कंसेप्ट आ गया ना, आप अपने मन से डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहता है, ये जो कर्व सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है बस, विच इज, और लेकिन दो है ना, तो विच आर जनरली कैसे होती है, स्फेरिकल, बस बन गया आपका डेफिनेशन। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट होता है क्या, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, ठीक है। टू कर्व सर्फेसेस विच आर जनरली स्फेरिकल, ठीक है। एक मैं फटाक से एक लेंस बना देता हूं, देखिए एक ये लेंस होता है, ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स, और एक दूसरे कलर से लेट्स से ग्रीन से मैं बना देता हूं कॉनकेव। तो ये आपके एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, आप ये डायग्राम बना दीजिएगा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, ठीक है। कॉनकेव लेंस ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, बस पूरा जितने का भी 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जितने का भी ये क्वेश्चन होगा, आपको पूरा क्वेश्चन का नंबर पूरा मिल गया, ठीक। बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू काइंड ऑफ लेंसेस, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम टू इलस्ट्रेट देम, देखिए मैं पहले ही बना चुका हूं, बट लेट मी ड्रॉ दिस अगेन एंड एक्सप्लेन यू इन डिटेल। आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, पुराना मतलब जो पहले के वीडियोज हैं सेक्शन ए के, वहां पे आपको इसका डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। बट लेट मी आंसर दिस, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला है नेम द टू काइंड ऑफ लेंस, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं लेंसेज आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक। इस लेंस का एक नाम और भी होता है, जल्दी बताइए, सोचिए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए क्या होता है। मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग और भी कहते हैं कन्वर्जिंग। अब कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता है। दूसरा होता है डाइवर्ज, जो रेस बाहर जाती है ये अंदर की तरफ ले जाती है, टुवर्ड्स बेस, बेस ऑफ दैट लेंस, ठीक है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोटो भी बना देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखता है, ये मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये ऐसे रहता है और ऐसे रहता है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से बना दिया मैंने, ये हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंड वन इज आपका हो जाता है कौन सा? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग, ये हो जाता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। और ये कैसे बनता है? अभी ऊपर हरे रंग से बनाया है, तो यहां पे हरे रंग से ही बना देता हूं, वरना बोलेंगे यार ऊपर हरा क्यों बनाया था। देखिए ये ऐसे रहता है, फिर इधर से ऐसे किया और इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो ये होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर टू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। इन देयर व्हाट? एक अपीयरेंस में और एक बताइए एक्शन ऑन द इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव बताइए, अच्छा ठीक है, लेकिन आप पहले बताइए दिखता कैसा है, ठीक है, और दूसरा बताइए उनका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। बाय द वे इसका आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया हुआ है, अभी आप पढ़ेंगे, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री बताऊंगा तो आप देखेंगे अरे ये तो पता ही था मेरे को, देखना बहुत ईजी है। तो इसको मैं थोड़ा कैटेगराइज करता हूँ, एक तरफ लिखता हूँ कॉन्वेक्स लेंस और इधर लिखता हूँ, लेट्स से चलिए इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कॉनकेव लेंस, ठीक। पहला क्वेश्चन का आंसर आता है जो इन्होंने कहा ए, विच इज अपीयरेंस। तो अपीयरेंस कैसा होता है, ए मैंने लिखा। पहली चीज देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये देखिए बी से मोटा है ना, तो ये लिख सकते हैं इट इज थिक, कहां पे? इन द मिडिल। तो देखने में कैसा लगता है, बी से मोटा होता है। और क्या होता है, ये देखिए ये जो इसकी पेरिफेरी है, ठीक है, यहां पे ये देखिए पतला है बस। तो दिखने में कैसा है, एंड थिन एट इट्स पेरिफेरी, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस में देखिए क्या होता है, ये देखिए कैसा लग रहा है, इसमें बी से कैसा है, पतला है, बस वही लिख दीजिए इट इज थिन इन द मिडल। तो देखने में कहता है बी से पतला है, एंड मोटा कहां से, ये देखिए ये मोटा है इधर, ये मोटा है, एंड थिक कहां पे, एट इट्स पेरिफेरी, ठीक है। ये आपको कल समझते हुए जाना है और ये सब आप लोग अपने आप लिख लेंगे, कुछ लर्न करने का कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आंसर मेरा, कैसा दिखता है, अपीयरेंस कैसा है। अभी सेकंड पॉइंट किसका कह रहा है, बी है एक्शन ऑन द इंसिडेंट लाइट, मतलब इसके ऊपर कोई अगर लाइट पड़ती है तो ये लोग कैसे एक्शन करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। देखिए ये है कन्वर्जिंग और ये है डाइवर्जिंग, ठीक है, आंसर ऑलरेडी है, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, इट कन्वर्जेस
इट कन्वर्जेस द, कौन सी रे को कन्वर्ज करेगा? जो रे इस पे पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बी पॉइंट, इट कन्वर्जेस द इंसिडेंट लाइट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर ये कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। एक डायग्राम बना दूं क्या जल्दी से? देखिए ये अगर मान लीजिए ये ऐसे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे लाइट पड़ती है, ये यहाँ पे आई, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल, पी आर आई एन सी आई पी ए एल एक्सिस, इसको मैं नेक्स्ट टाइम से पी ए बोलूंगा, ठीक है। तो ये इधर आके लाइट कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज माई एग्जाम्पल, अगर मैं डायग्राम बनाना है आप डायग्राम भी वैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो जी अब आते हैं हम लोग, ये इसका ए पॉइंट था। अब कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस का डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये इसका क्या बिहेवियर रहता है जब इस पर लाइट पड़ती है, तो वो कैसे रहता है? इसका आंसर है इट डाइवर्ज। देखिए पहले लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये है इट डाइवर्जेस, किसको डाइवर्ज करता है? जो इंसिडेंट लाइट होती है, जो इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है। डाइवर्ज किधर करता है? अवे, अपने से दूर, अपने मतलब फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ टुवर्ड्स या अवे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें आपका कीवर्ड क्या है? एक कीवर्ड है आपका डाइवर्ज, इधर आपका कीवर्ड था कन्वर्ज, और दूसरा कीवर्ड है टुवर्ड्स या अवे। इसका अगर मैं जल्दी से डायग्राम बना दूं यहां पे, तो देखिए ये ऐसे था और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसको मैं पी ए लिखता हूं। इसके ऊपर अगर रे पड़ती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं, यहां से अवे चली जाएगी। बस दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें एरो जरूर बनाइएगा, इससे पता चलता है कि रे किधर से किधर जा रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा कॉनकेव लेंस का। बस यही क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, एंड इट्स सॉल्व नाउ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज लेता हूं वरना इस पे दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज विच लेंस इज कन्वर्जिंग, ठीक है, एन इक्वी कॉनकेव लेंस और अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, एंड सेकेंड पॉइंट है अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसको समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा मेरा पुराना वीडियो, जिसमें आई थिंक पहला ही वीडियो था इस चैप्टर का पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था कि इक्वी कॉनकेव लेंस और या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फटाफट दिखा भी देता हूँ इस बुक में। देखिए पहले ही शुरू में लिखा हुआ था, ये देखिए ये है हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की तरह से इसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है। सिमिलरली अगर आप कॉन्वेक्सो कॉनकेव को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कॉन्वेक्स के भी एज दिख रहे हैं, कॉन्वेक्स का भी तरह से इनका शेप है, एंड कॉनकेव भी इसमें दिख रहा है। ये देखिए ये जो ऐसा पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज अ मिक्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो ये हो जाता है। तो नाउ टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ, दिस इज वेरी सिंपल। इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, विच लेंस इज कन्वर्जिंग, तो इसका आंसर हो जाता है, इसका फर्स्ट पार्ट है एन इक्वी
कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और इनका सेकेंड क्वेश्चन था अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, इसका आंसर हो जाता है अ कॉनकेवो, अ सी ओ एन सी ए वी ओ, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है फोर्थ का। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव, आउट ऑफ टू लेंसेज वन कॉनकेव एंड द अदर कॉन्वेक्स, स्टेट विच वन विल शो द डाइवर्जेंट एक्शन ऑन लाइट बीम, ड्रॉ डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ये तो मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूं, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर, चलो मैं ठीक से फिर से ही बना देता हूँ, उसमें क्या हुआ थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसी बारे में। देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो पहली चीज तो इन्होंने पूछा है आउट ऑफ टू लेंसेज कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कौन डाइवर्ज करता है। तो ये देखिए मैंने पहले क्या बताया था, डाइवर्ज कौन करता है, कॉनकेव जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है मतलब थिन इन द मिड एंड थिक, यहाँ पे थिक है सी के, थिक एट इट्स पेरिफेरी, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं डायग्राम, ये ऐसे किया फिर ऐसे किया और ये लेंस बन गया मेरा कॉनकेव। अरे यार इसको ऐसे नहीं लिखना था, ठीक है चलो मैं पेरिफ इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने इसको नीचे लिखना चाहिए था क्योंकि अभी रे बनाने में टाइम वो ऊपर नीचे ना हो जाए, बट ठीक है मैनेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ओ एन वी सी ओ एन सी ए वी, सॉरी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये है मेरा सी ओ एन सी ए वी, बस इतना ही, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस था, अब इसमें क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक रे आ रही है, यहाँ की कंडीशन क्या थी, ये रे पैरेलल होनी चाहिए किसके, पेरी प्रिंसिपल एक्सिस के, पी ए के, ठीक है। ये जैसी एयर से दूसरे मीडियम में गई ये डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई मतलब अवे चली गई, अवे चली गई मतलब किससे दूर गई, पेरी ये पी ए से विच इज प्रिंसिपल एक्सिस, मेरे मुझे पेरीफेरी पता नहीं क्यों निकल रहा है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एक और बना देते हैं, चलिए मान लीजिए ये भी एक और पैरेलल रे आ रही है, यहाँ पे आई मीडियम चेंज अंदर गई और ये डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज हुई किधर, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, ठीक। ये रे थी ए, ये रे हमारी बी, ठीक। अब इसमें इस केस में देखिए क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा कि अगर इसको पीछे ये इसमें क्या, इसमें एक वर्ड मैंने बताया था, क्या कीवर्ड था, अपीयर। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो इमेज बन रही है वो दिखती है, लग वो ऐसा आभास होता है, अपीयर होता है कि इमेज बन रही है, और जहां पे बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, और मे बी आई एम पुटिंग हियर एज ए एफ, ठीक है। सो टू समराइज द आंसर विल बी कॉनकेव, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया फटाफट। तो ड्रॉ अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर, यस दिस इज कॉनकेव एंड आई हैव ड्रॉन द क्वेश्चन, ड्रॉन द आंसर सॉरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो बाय डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ टू लाइट रेज इंक्लूडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स। अब देखिए यही स्टोरी मैंने कॉनकेव में बताई थी, बट ये कह रहे हैं कॉन्वेक्स में बताओ, ठीक है। कैसे, पैरेलल रेज आ रही हैं दो, जैसे यहाँ पे दो बनाई थी वैसी पैरेलल रेज बनानी है, ठीक है। और किसके पैरेलल होगी, ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल एक्सिस के होगी, ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस बाय ट्रीटिंग इट
ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए क्या लिखा, ग्लास स्लैब मतलब यहाँ पे टुकड़े हैं ग्लास के, एक समूचा, एक पूरा लेंस नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ग्लास स्लैब बोला है एंड टू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये बता रहा है आपको बनाना है ग्लास स्लैब, मतलब एक ग्लास की पट्टी रहती है, ठीक, ये इसके बेसिस पे आपको बनाना है। और दूसरा क्या है, टू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो देखिए इसके ऊपर एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली आपको डायग्राम ऐसे बनाना है, ठीक है। अब इसी को मैंने जैसे पहले वीडियो में बनाया था, इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर्व मार देंगे तो ये स्फेरिकल शेप में आ जाता है और वही हमारा बन जाता है कॉन्वेक्स लेंस। बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक चीज़ और ऐड करी है, शायद आपके नंबर काट लें अगर वो, अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं। बट आई थिंक लॉजिक के बेसिस पे नंबर नहीं काटने चाहिए एग्जामिनर को, बट आई एम सेइंग कि बेटर है कि आप ऐसे ही बनाइए। और सेम चीज़ है जो मैंने ऊपर बनाई है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं PA। आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है इन्होंने कि दो पैरेलल रे आनी चाहिए, ठीक है भाई, टू पैरेलल रे इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक रे मान लीजिए ये आ रही है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस इज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द बेस, तो ये नीचे आई, ठीक है भाई। दूसरी भी पैरेलल रे आ रही है और ये भी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगी, या इस ट्रायंगल में इसके बेस की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे आ गई और इस पॉइंट पे आके दोनों क्रॉस करती हैं, अगर हमारी ये दो पैरेलल रेज हैं, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। इसका डायरेक्शन भी बना देते हैं भाई, ये डायरेक्शन देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, 6। मैंने क्वेश्चन नंबर तो डाला ही नहीं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो डायग्राम भी बना दिया है। फिर क्या कह रहे हैं, शो बाय अ डायग्राम द रिफ्रैक्शन ऑफ टू लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव। ये देखिए तो मैंने बनाया हुआ है लेंस बाय ट्रीटिंग इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए ग्लास स्लैब। अच्छा, अभी ये 6 क्वेश्चन जो ऐसे बनाया था ना, इनको सेम चाहिए ग्लास स्लैब और दो ट्रायंगल के बेसिस पे, ठीक है भाई, वो भी कर देते हैं। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें ग्लास स्लैब कैसे बनता है, एक ग्लास स्लैब तो भाई ऐसे बन गया, ठीक। और इसमें जो ट्रायंगल बनता है वो कैसा होता है, रिवर्स होता है, तो ये ऐसे बन जाता है, ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये हम लोग बता रहे थे कॉन्वेक्स और ये कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इन्होंने क्या बोला है, एक रे आ रही है भाई, पैरेलल आ रही है, ठीक है भाई, ये पैरेलल आई, बट इसका प्रॉपर्टी क्या रहता है, ये अवे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये ऐसे गई। सिमिलरली ये ऐसे रे आ रही है और ये ऐसे गई, बट ये आभास होता है, अपीयर होता है कि ये, अगर इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो वो आभास होता है कि एक वर्चुअल इमेज बन रही है। इस रे का डायरेक्शन भी लिख देते हैं, ये एसिड रे आ रही है, ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो दिस इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज द एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डिफर from that of concave lens on parallel beam of light incident on them, मतलब convex lens concave lens से कैसे differ होता है on a parallel beam, अगर उस पर parallel beam पड़ रही है
इंसिडेंट हो रही है, ये आपको ड्रॉ करना है एक डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ये ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है, बट चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। और इसको मैं स्लैब की तरह ही, जो ग्लास स्लैब है वैसी डायग्राम बना देता हूं, तो एक्सप्लेन करने में और समझने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये रे ऐसे आई, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सेस है और प्रॉपर्टी क्या रहती है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सेस, और ये ऐसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स की, ठीक है। और कॉनकेव के केस में क्या होता है, पहले मैं आपको ये कर रहा हूँ, बाद में आपको रीजन भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दूसरा सेकेंड पॉइंट आता है कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्जेस द, देखिए इसी 10 क्वेश्चन के अंदर ही मैंने कितनी बार एक ही चीज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो एक बार में है चाहे कई बार में है, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज बताया है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है। तो इसको भी ग्लास स्लैब के फॉर्मेट में मैं बना देता हूँ, एक ऐसे ग्लास स्लैब बनाइए और रिवर्स या उल्टा करके एक लेंस बनाइए और बीच में प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर पैरेलल रे जा रही है देन दिस विल डाइवर्ज, पैरेलल रे आ रही है दिस विल डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। नाउ यहां तक तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बता देता हूँ कि आभास होता है अपीयर टू बी बीइंग अ वर्चुअल इमेज, यहां तक था। अब यहां पे बेसिकली आपको एक चीज और बतानी है, क्वेश्चन 8 में आपको एक्सप्लेन करना है हाउ डज द एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डिफर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, आपको एक रीजन बताना है इसका, हाउ इट्स हैपन, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, ये रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, जो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, सपोज ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब इस कॉनकेव लेंस में एक रे ये ऐसे आती है, अब यहां पे देखिए क्या है, ये है एयर, ये जो एरिया है ये है हमारा एयर, इधर क्या है ये भी है एयर, और यहां बीच में क्या है ग्लास, ठीक है। अंदर आई, इसका मीडियम चेंज हुआ, एयर से ग्लास में गया और इसकी वजह से ये थोड़ा सा डाइवर्ट हुई, ठीक। और जब ये बाहर निकल रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तब भी ये अपने बेस की तरफ जा रही है, क्योंकि इस लेंस का जो बेस है ये, ठीक है, ये लेंस है, मान लीजिए ये जो मैंने बताया था ना, वैसे ये एक लेंस का छोटा पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो ये अवे जाएगी, डाइवर्ट जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है दो बार, एक बार एयर से ग्लास में गया, दूसरी बार ग्लास से एयर में गया, एंड दैट इज द रीजन ये डाइवर्ज होती है, मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है। एक ये मेरा सरफेस है और एक ये सरफेस है, तो इसके दो सरफेस पे बेसिकली आपका डाइवर्जन हो रहा है। अब इसको मैं लिख देता हूं, ये मेरा कॉनकेव लेंस। अब देखिए क्या होता है इस केस में, जब मेरा कॉन्वेक्स रहता है तो ये एक मेरा कॉन्वेक्स लेंस हुआ है। मैं पहले लिख देता हूँ, सेम कंडीशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है, बीच में ग्लास है और इधर एयर है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, टूवर्ड्स द बेस ऑफ द ट्रायंगल, तो ये जा रही है
एक रे पैरेलल है बट अंदर गई तो इसका मीडियम चेंज हुआ, ये टूवर्ड्स द बेस आएगी, बाहर गई और जब बाहर आया मतलब फिर से दोबारा से इसका मीडियम चेंज हुआ तो इट विल डाइवर्ट टूवर्ड पेरी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ठीक है। और मतलब इसका देखिए अगेन यहां पे भी दो मीडियम है, सर यहां पे भी दो सरफेस है, एक ये सरफेस है एक ये सरफेस है। सो एक बार ये जो रे है ये एयर टू ग्लास एंड देन ग्लास टू एयर, ये दो बार हमारी कन्वर्ज होती है, ठीक है। ये रीजन रहता है कि हमारा जो रेज होती है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूं, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, पहले मैं नाम लिख देता हूं, सपोज दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज पी, ये जो पॉइंट था ये क्यू है और रे बाहर आई तो ये रे का हमारा एस है एंड दिस इज अगेन एस, ठीक है। ये मैंने रे का डायरेक्शन बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं इंसिडेंट रे पी क्यू सफर्स रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट बोथ सरफेस, बोथ सरफेसेस मतलब वन एंड टू ऑफ लेंसेस, ठीक है। लेंस के दोनों सतहों पे दोनों सरफेस पे वो रिफ्रैक्शन होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं पी क्यू, जो पी क्यू लाइन है जो पी क्यू रे है रेदर सफर्स रिफ्रैक्शन एंड बेंड, बेंड मतलब मुड़ती है टूवर्ड्स बेस, ये मैंने बताया ना टूवर्ड्स बेस बी ए एस ई बेस ऑफ अपर प्रिज्म। देखिए समझने के लिए आप ये डायग्राम समझिएगा, देखिए ये एक प्रिज्म है ना ट्रायंगुलर, तो इसके बेस की तरफ मुड़ती है, ठीक है। अपर प्रिज्म इन किस केस में, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस के केस में, ठीक है। एंड टूवर्ड्स मिडिल, किसमें किसमें मिडिल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट एक चीज तो आप और लिख लीजिए, ये जो हम लोग एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर वाला पॉइंट जो डिस्कस किया था वो भी मैं लिख देता हूं, एज रे ट्रेवल्स, रे ट्रेवल करती है कहां से, फ्रॉम ग्लास टू एयर इट फर्दर सफर्स, मतलब एक बार तो बेंड हो चुकी है अभी वो फिर से ग्लास टू एयर में जा रही है। देखिए एक बार तो यहां पे सफर करी, वो एक बार वो डाइवर्ज हुई या कन्वर्ज हुई, बट दोबारा से जब वो ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर से वो सफर कर रही है, ठीक है। बेंडिंग टूवर्ड्स किधर, बेस ऑफ अपर प्रिज्म, किसके केस में, ऑफ कॉनकेव, देखिए बेस ऑफ अपर प्रिज्म ये जो ऊपर वाला प्रिज्म था उसके बेस की तरफ, ठीक है। इन केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस एंड अगेन एंड टूवर्ड्स मिडिल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक चीज और भी लिख देता हूं मैं, सिमिलर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन
लोअर प्रिज्म, ये जिस तरीके से रिफ्रैक्शन अपर प्रिज्म रहता है वैसे ये लोअर प्रिज्म में भी रहता है। बस इतनी सी बात और है, लोअर प्रिज्म ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। ये आप समझिए, समझने के बाद अपनी अपने हिसाब से भी आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट आपको बस ये लॉजिक समझना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ देता हूं। डिफाइन द टर्म प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 है जो क्या कह रहा है कि बताओ भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। मैंने ये बहुत डिटेल में बताया है अपना, आई थिंक पार्ट सेकंड या थर्ड जो मेरा वीडियो है शायद उसमें बताया है, बट आप देखिएगा बहुत डिटेल में बताया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक मेरा लेंस है, ठीक है। अब ये लेंस क्या है, ये लेंस मान लीजिए एक कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस रहता है, उसका एक पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये एक हमारा लेंस है मान लीजिए, ठीक है। अब इस लेंस के सेंटर से अगर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, या हमारी एक ऐसी एक रे जा रही है, या एक हमारा ऐसा लाइन है जो इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। दिस इज लेट्स से इसका सेंटर मेरा C1 और इसका सेंटर है हमारा C2। तो फिर इस डायग्राम को कंसीडर करते हुए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसकी डेफिनेशन होगी प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ द लेंस, दैट इज इस केस में क्या हो जाएगा, वन इज C1 एंड C2 एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सिंपल शॉर्ट, और आप खुद से भी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप ये डायग्राम बना दीजिएगा बस, और ये डेफिनेशन लिख दीजिए अपने हिसाब से भी लिख दीजिएगा बस, बहुत है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। और डिटेल में समझना है आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए इतना बहुत है, आपको और डिटेल में समझने के लिए आप मेरा वीडियो देखिएगा जिसका प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसके जो भी नोट्स है ना, ये सब जो मैं बना रहा हूँ, ये एक मेरी वेबसाइट है visionandgoal.com, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, ऑप्टिकल सेंटर, इसका मैं एक फटाक से डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इन्होंने ऐसा बताया है कि इस लेंस में, इस लेंस में एक ऐसा पॉइंट हो, चाहे वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पे भी एक पॉइंट हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए इन द लेंस में ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस यहां यहां पे नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस में कहा, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन
वो पॉइंट एक ऐसा होना चाहिए कि उस पर अगर रे पड़े तो वहां से वो डेविएट ना हो, वो अनडेविएटेड जाना चाहिए। मतलब जैसी रे आ रही है उसी रे विदाउट एनी डाइवर्जन और कन्वर्जन के जानी चाहिए। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से इमर्ज होनी चाहिए। मतलब इस लेंस का सेंटर पॉइंट ये, मतलब अगर रे ये जा रही है तो इसके अंदर जब ये गई तो ये बिल्कुल वैसी ही निकल रही है, ठीक है? तो इसमें कोई भी डायवर्जन या कन्वर्जन नहीं रहता है। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये रहता है, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट विथ इन द लेंस, विथ इन द लेंस, अच्छा भाई, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज व्हाट, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट रहता है, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट रहता है, सच दैट, ऐसा पॉइंट रहता है दैट अ रे, रे ऑफ लाइट पासिंग, अगर इसकी रे ऑफ लाइट पास कर रही है किसके थ्रू, थ्रू दिस पॉइंट मतलब जिधर से रे आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है? और इमर्जेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है? या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और गोज अनडेविएटेड, ठीक है? तो ये इसका एग्जाम्पल भी है। अगर जो रे इंसिडेंट हो रही है वो विदाउट एनी डेविएशन में सीधा सीधा इमर्ज भी हो रही है, ठीक है? सो दिस इज द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर विद द डायग्राम, ठीक है? इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, OC। तो फ्रेंड्स, ये जितने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन अभी देखे हैं ये सारे मैं अपनी वेबसाइट visionandgoal.com पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ये सारे नोट्स, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, एक्सरसाइज 5A रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंसेज का। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।